भारतीय इतिहास के 14 हैरतअंगेज और रोमांचित रहस्य। अगर आप कठिन से कठिन पहेलियां बुझाने में माहिर हैं और ऐतिहासिक किस्सों में दिलचस्पी रखते हैं, तो भारतीय इतिहास के इन अनसुलझे रहस्य को जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इतिहास हमेशा कुछ न कुछ सिखाता है, पर उसमें अनगिनत रहस्य समाये होते हैं जिसे इंसान हर कदम पर सुलझाने की कोशिश करता है। कुछ रहस्य नए होते हैं और कुछ सदियों पुराने। भारतीय इतिहास में ऐसी कई कहानियां मौजूद हैं जिसमें ढेरों राज छिपे हैं, जिन्हें जानने के लिए वैज्ञानिक और इतिहासकार हमेशा प्रयत्न करते आ रहे हैं। आइए ऐसे ही कुछ कहानियों से रूबरू होते हैं। अगर आप इन्हें सुलझा सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या पता इन अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर आप ही में से किसी के पास हो। पहले नंबर पर है गुमनाम सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति है। मिस्र और मेसोपोटामियन सभ्यता से भी सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पुरानी, बड़ी रहस्यमय और उनके अनसुलझे सवालों से भरी पड़ी है। जिन लोगों ने इस सभ्यता की शुरुआत के बारे में पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिले, इतना ही नहीं, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए 4000 साल पुराने सिंधु चित्रमय लिपि को भी आज तक कोई समझ नहीं पाया। उस जमाने की संस्कृति और उससे संबंधित असंख्य रहस्य धरती की गोद में समा गए, इसलिए इस सभ्यता को समझना मुश्किल है। सभ्यता को लेकर बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, पर कोई भी निर्णायक नहीं है। दूसरे नंबर पर आती है चरामा की एलियन नुमा शैल चित्र। छत्तीसगढ़ के बस्तर आदिवासी इलाके में चरामा गांव के पास पुरातन गुफाएं मिली हैं, जहां के पत्थरों पे दूसरे ग्रह के लोगों जैसे दिखने वाले चित्र पाए गए। गुफाओं की खोज करने वाले पुरातत्ववादी जे आर भगत कहते हैं कि चित्रों में चेहरे अलग तरह से दिखते हैं और कुछ चित्र उड़न तस्तरी के भी हैं। इससे जुड़ी हुई एक कहानी गांव वाले बताते हैं, जिसमें रोहेला नामक लोग उड़न तस्तरी से यहां आते हैं और गांव वालों का करते हैं। छत्तीसगढ़ पुरातत्व विभाग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा को इस मुहिम में मदद करने की मांग की है। तीसरे नंबर पर आती है बिहार की सोन भंडार गुफाएं। सोन भंडार का मतलब है सोने का खजाना। बिहार की सोन भंडार गुफाएं एक बड़े पत्थर से बनाई हुई है और कहा जाता है कि ये गुफाएं मगध राजा बिंबिसार के जमाने की हैं। लोगों को मानना है कि बिंबिसार राजा अपने खजाने को छुपाने के लिए इन गुफाओं का इस्तेमाल करता था। जब बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने कारागार में डाल दिया, तब उसके आदेश से उसकी बीवी ने राज्य का खजाना इस गुफाओं में छिपाया था। यहाँ पर मिली हुई संकलिपि में लिखित शिलालेख है जिनसे शायद इस खजाने तक पहुँचने की चाबी मौजूद है। अंग्रेजों ने खजाने को हासिल करने के लिए दरवाजों पर तोप के गोले बरसाए थे, जिनके निशान आज भी दिखते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। चौथे नंबर पर आते हैं 9 अपरिचित व्यक्ति। भारत के 9 अपरिचित व्यक्ति दुनिया भर के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माने जाते हैं। जानकारों का मानना है कि ईस्वी सन पूर्व 273 में जब कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसमें 1,00,000 लोगों की जाने गई थी, उसके बाद सम्राट अशोक ने
इन नौ व्यक्तियों का गुट बनाया था। नौ में से हर एक व्यक्ति को एक विषय पर बहुत सारा ज्ञान था, जिसमें पर्यटन, विज्ञान और युद्ध कौशल जैसे विषय शामिल थे। उन सभी नौ लोगों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, पर ऐसा मानना है कि आज भी उनके वंशज मौजूद हैं। पांचवें नंबर पर आता है मीर उस्मान अली का खजाना। हैदराबाद के असफ जहां शासन के सातवें और आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान अपने गहनों और खजाने के संग्रह के लिए प्रसिद्ध थे। सन 1937 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर आदमी का सम्मान दिया। उनके द्वारा संग्रहित की गई सभी गहनों और खजाने को उनके मृत्यु के बाद भी कोई ढूंढ नहीं पाया था। लोगों का कहना है कि सारा खजाना हैदराबाद के कोटी पैलेस में छुपा है, जहां निजाम रहते हैं। छठे नंबर पर आता है लामा तेंजिंग की 500 साल पुरानी ममी। हिमालय में स्पीति के पास गुइन नामक एक छोटा सा कस्बा है, जहां पुराने जमाने में प्रचलित खुद की ममी बनाने की संस्कृति देखने को मिलती है। यहां पर एक छोटे से कमरे में 500 साल की ममी रखी गई है, जिसे कांच से संरक्षित किया गया है। 15वीं शताब्दी के महंत सांदा तेंजिंग की ये ममी है, जिसकी त्वचा और सर की बाल आज भी साबुत है। ये ममी सबसे पहली प्राकृतिक ममी है। सातवें नंबर पर आता है जयगढ़ किले का शाही खजाना। जयगढ़ का जेवाना किला दुनिया के सबसे बड़े पहियों वाली तोपों के लिए प्रसिद्ध तो है, पर साथ साथ साजिश और खजानों की कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान की जंग जीतने के बाद अकबर के रक्षा मंत्री मानसिंह ने युद्ध में जीता हुआ खजाना इसी किले में छुपा के रखा था। सन 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किले में खजाना और पानी की टंकियां ढूंढने के लिए एक मुहिम चलाई, पर इसमें कुछ भी नहीं पाया गया। इस मुहिम की पूरी कहानी महारानी गायत्री देवी द्वारा लिखी गई और प्रिंसेस रिमेम्बर्स नामक किताब में पढ़ने को मिलती है। आठवें नंबर पर आता है नाना साहिब का लापता होना। नाना साहिब 1857 के विद्रोह के नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन को ललकारा था। विद्रोह के बाद नाना साहिब अचानक एक दिन गायब हो गए। इतिहास में किसी को पता नहीं है कि उनके द्वारा लूटा हुआ खजाना कहाँ है। कहानी ये भी है कि वो खजाने के साथ नेपाल चले गए और ब्रिटिशों के हाथ न लगे। ब्रिटिश काल से नाना साहिब का खजाना एक रहस्य बना हुआ है। नौवें नंबर पर आता है कुलधरा, भूतों से पीड़ित गांव। जैसलमेर के पश्चिम दिशा में 20 किलोमीटर के बाद भूतों से पीड़ित कुलधारा गांव है, जहां 100 साल पहले पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। लगभग 1500 लोग एक ही रात में इस गांव को छोड़कर निकल गए। किसी को खबर नहीं थी कि वो कहां और क्यों गए, पर लोगों का मानना है कि दुष्ट शासक सलीम सिंह लगाए गए लगान की वजह से लोग गांव छोड़कर चले गए और जाते जाते गांव को एक श्राप भी देकर गए। उस घटना के बाद जिसने भी गांव में रहने का निश्चय किया उसकी मौत हो गई। उसी वजह से ये गांव आज तक नहीं बसा। दसवें नंबर पर आता है चपाती आंदोलन। 1857 के विद्रोह के दौरान चपाती आंदोलन शुरू किया गया था, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए आज तक यह एक रहस्य बना हुआ है। कुछ अध्ययन द्वारा ये बताया गया है कि कॉलेरा से प्रभावित लोगों को चपाती पहुंचाना इसका उद्देश्य था, पर इस आंदोलन का असली मकसद
आज भी किसी को नहीं पता। इतिहासकारों का मानना है कि इस आंदोलन से 1857 में ब्रिटिश राज में खलबली मची थी। 11वें नंबर पर आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में असंख्य कहानियां प्रचलित है, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि ताइपेई से टोक्यो जाने वाले विमान में उनके साथ क्या हुआ। आज़ाद भारत का ये एक अनसुलझा सवाल है। उनके गायब होने के बाद ऐसा कहा जाता है कि वो भारत वापस आए थे और उत्तर भारत में साधु के वेश में रहते थे। इस बात का सबूत नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले साधु गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। 12वें नंबर पर आता है लाल बहादुर शास्त्री की असामयिक मौत। भारत के प्रधानमंत्री बनने के महज 2 साल बाद दूसरे देश में लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मौत होना देश के लिए एक दुर्भाग्य था। और सबसे बड़ा रहस्य भी, सन 1966 में ताश्कंद देश में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई। नीले धब्बे और कटने के निशान उनके शरीर पर थे, पर न तो उनका पोस्टमार्टम किया गया और न ही उनकी मौत से जुड़े कोई दस्तावेज सरकार को दिए गए, इसलिए उनकी मौत पर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह बना रहा। 13वें नंबर पर आता है शांति देवी का पुनर्जन्म। एक बच्ची का दिल्ली में पुनर्जन्म हुआ, जिसका नाम शांति देवी था। शांति देवी ने अपने घर वालों को उसके अपने पहले जन्म के घर और घर वालों की जानकारी दी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापना की गई एक कमेटी ने शांति देवी द्वारा दी गई जानकारी को टटोला और रिकॉर्ड किया, तो ये सही पाया गया। 14वें नंबर पर आते हैं एक योगी जो बिना खाए पिए ही जी रहे थे। अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर अंबाजी गांव में चुनरी वाला माताजी नाम से मशहूर एक कमजोर बुजुर्ग तपस्वी रहते थे। इनका असली नाम प्रहलाद शानी था। इनका कहना है कि 11 साल की उम्र से ही वो देवी अम्बा के भक्त बने और अध्यात्म से जुड़े। वे कहते हैं कि देवी ने उन्हें आशीर्वाद देकर अमृत दिया, जिसे वो तालु के छेद से शरीर में पहुंचा रहे थे। सन 2003 में 21 लोगों की मेडिकल रिसर्च टीम ने इस योगी पर वीडियो द्वारा नज़र रखी, पर कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। योगी का कहना था कि सन 1940 से कुछ भी खाए पिए बगैर ही जी रहे थे।